बोला था उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों की जो क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस मैच आपका चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ हम लोग की क्लासेस बंद ही होंगी। ठीक है, हमारी और एमपीएससी की क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज मेरी क्लास दस बजे, वैसे मेरी क्लास रात को 9:30 बजे होती है, सभी को पता है। तो सभी लोग एक बार क्लास को दबा दीजिए, शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और जो भी नए लोग आएंगे वो लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा मटीरियल मिलने वाला है। जैसा कि अपनी धारा वाली जो क्लास आती है हमारी, हमारी जो पोस्टमार्टम वाली क्लास है, एक सवाल के 5 आंसर ऑप्शन में से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के पास शेयर करेंगे भाई। बड़ी दिवाली अली रंजन अविनाश रॉकी सभी लोग क्लास के अंदर जा करेंगे, शेयर करेंगे। शेड्यूल कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अपने टाइम पे रहेगा। कल से क्लास मेरी 9:30 बजे लगेगी और 10 बजे आपकी ऑफिसर चलेगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को दबा के शेयर करिए। और अभी जो हम लोग की 2 दिन से जो साइंस की चल रही है, आज जितने भी क्वेश्चन आए उसमें 28 के बाद की जो 3 दिन एग्जाम होते हैं उसकी रिजल्ट के क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इन क्वेश्चन जैसे कोई एक क्वेश्चन है तो उससे एक्सपेक्टेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करेंगे। वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही भाई, वॉइस नहीं आ रही भाई। आवाज कट रही है सर। चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे आवाज आएगी। ठीक है, कल रिफ्रेश करेंगे सभी लोग तो आवाज आ जाएगी आपको। अभी देखिए आपको आवाज आ रही होगी, आ रही आवाज, ठीक है, सभी लोग को आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? साउंड की प्रॉब्लम है यार, कोई बात नहीं, अभी आवाज सही आ रही होगी। चलिए ऑल ओके। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोग की जो क्लास चलती है हमारी 9:30 पे, आज बस केवल ये क्लास 10 बजे है, तो वही क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो दबा के सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और यहां पर हम लोग क्लासों का वही क्वेश्चन का उसी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। एक सवाल होगा, सवाल आंसर होगा, सवाल का आसान आंसर होगा, कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज आपकी साइंस की क्लास है। और ध्यान रखिएगा, आपकी जो साइंस की क्लास है इसमें आपके प्रीवियस जो शिफ्ट में पेपर हुए उनके क्वेश्चंस हैं और उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए भाई, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो देखो भाई क्या कह रहा है, विच इज दी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन प्रेजेंट इन ए सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या सेल की, सिंपल सी बात है। सर आपने बताया था कि आप यहां पर पोस्टमार्टम करेंगे, तो पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, लेकिन पहले सेल के बारे में जानते हैं। तो देखो, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, सेल होते हैं। सेल में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अरे सर आपने बताया था, ध्यान रखिएगा, जो हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस में छोटे छोटे रेशे होते हैं। हमने आपको बताया था कि ये रेशे जो है इन्हीं को बोलते हैं बेटा गुणसूत्र, या इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, इन्हीं रेशों में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो सभी को पता है न्यूक्लियस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। हाँ मैं बढ़िया हूं, अविनाश राय जी, आशा पांडे, पूजा सुधीर, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। एंडोडर्म, एंडोडर्म नहीं होता बेटा, अभी बताता हूं आपको सारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आया है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो न्यूक्लियस है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। हमेशा ध्यान रखना, सेल में 3-4 क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक कोशिका के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका में न्यूक्लियस कैसा है, सबसे बड़ा होता है। एक आपको गुणसूत्र के बारे में पूछेगा, एक डीएनए के बारे में पूछेगा, एक राइबोसोम के बारे में पूछेगा, और एक
लाइसोल जोन के बारे में एग्जाम में आएगा, बस इसके आगे कई क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो मैं आपको बताता हूं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। आंसर हमारा आ गया। अब यहां पर आपके सर इसका जरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, तो चलिए भाई अपनी कोशिका का हम पोस्टमार्टम करते हैं। देखो कोशिका में, हर कोशिका में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस कोशिकांग को, इसी को न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। इसी केंद्र के अंदर छोटे छोटे बेटा रेशे होते हैं, उन रेशों को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बना कि गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद इन्हीं गुणसूत्रों पर एक पाए जाते हैं क्या, डीएनए, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना हम लोग की जो जेनेटिकल पहचान होती है, जो जीन्स पहचाने जाते हैं, जो हमारे माँ बाप से हमसे जुड़े होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप की शक्ल हमसे मिल रही है, हम लोग की आवाज मिल रही है, बॉडी का कद काठी मिल रहा है, तो वो सब डीएनए की वजह से ही होता है। तो ध्यान रखिए डीएनए किसकी पहचान करते हैं, जेनेटिक्स की पहचान करते हैं, डीएनए जीन्स की पहचान करते हैं। सभी को क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन बना मेरे दोस्त, कोशिका में सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बना, कोशिका में एक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं लाइसोसोम क्या है, ध्यान रखिएगा। जब हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, जब तक ग्रोथ नहीं हुआ है तब तक हमारी बॉडी की सेल्स की देखभाल ये करते हैं। जब तक शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चे का, तब तक उसके शरीर की कोशिकाओं की ग्रोथ का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लेकिन धीरे धीरे लाइसोसोम का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, तो इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आत्महत्या वाला बैग कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये डेवलप होने लगता है तो ये क्या करता है, ये ब्लास्ट कर जाता है और ये कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं में डिवाइड करता है, यानी कोशिकाओं की मात्रा या संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक ये फटेगा नहीं तब तक सेल का डेवलपमेंट होगा नहीं। तो देखो यहां कितने सारे क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, न्यूक्लियस है। एक आंसर हो गया, न्यूक्लियस का केंद्रक सबसे बड़ा होता है, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। एक बात होगी, गुणसूत्र से ही पहचाना जाता है कि जो जब आपका पता करना होता है कि बेबी है, बॉर्न होगा या फिर लड़की होगी या लड़का, वो गुणसूत्र से होता है, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। इसी गुणसूत्र में पाए जाते हैं आपके डीएनए, जो आपके मां बाप से, हमारे मां बाप से हम लोगों के जीन्स की पहचान करवाते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियस का सबसे छोटा पार्ट होता है, और लाइसोसोम जो होता है ये हमारे सेल में क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। या सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सभी लोग क्लास को पढ़ेंगे और लिखेंगे भी जरूर। ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त एग्जाम में आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन क्वेश्चन के आंसर अलग हो सकते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। ये जब ब्लास्ट करता है तो उसके बाद ही सेल अदर सेल्स में क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करेंगे, सर एक पोस्टमार्टम और कर दीजिए, सर आपने बताया था क्रोमोसोम के बारे में, ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्रोमोसोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए गुणसूत्र के बारे में दोस्तों। गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में आपके एक एक्स होता है और एक वाई होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर मेल और फीमेल की बात करेंगे बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, मेल और फीमेल के पहले 22 पेयर जो होते हैं ये दोनों के एक्स और एक्स ही होते हैं। लेकिन जो मेल होता है, मेल का जो 23वां पेयर होता है वो एक्स और वाई होता है, फीमेल का 23वां पेयर भी एक्स एक्स होता है। तो अगर ये गुणसूत्र में ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स और वाई मिलते हैं फीमेल बॉडी में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लड़का पैदा होगा, मतलब कि लड़के का जन्म होगा, मेल होगा। और अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो वहां पर गर्ल होगी, यानी बेबी गर्ल होगी, यानी लड़की होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सेक्स पता किए जाते हैं, कैसे पता किए जाते हैं, ये गुणसूत्र से पता किए जाते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। सभी को क्लियर है। चलिए तो गुणसूत्र के बारे में, इसके बारे में ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है क्या, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और ध्यान रखना, फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स और उसके बाद आपके लाइट से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, सर हमने हमेशा देखा है जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो मिरर होता है वो मिरर क्या होता है, उस मिरर में कन्वेक्स मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होता है, उसको कन्वेक्स मिरर या फिर कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है, अगर देखेंगे उत्तल दर्पण को, तो कोई भी अगर यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट जाएगी तो ये उसको क्या करेगा,
छोटा करेगा और छोटा करके हमें मिरर पे दिखाएगा। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और छवि आपसे कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसका मतलब कि वो आपकी इमेज को छोटा कर रहा है। इमेज की छोटा करने का मतलब है, वो आपकी इमेज को छोटा करने का मतलब है, वो कौन सा दर्पण है, कन्वेक्स है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, सब सभी का क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। सभी लोग क्लास के बाद जब आके जरा शेयर भी करेंगे, ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्जाम में बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो सिंपल सा आंसर है कन्वेक्स मिरर। समझ में आया? या उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब यहां पर बात आती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका कन्वेक्स मिरर होता है किसमें, बाइक में होता है कि नहीं, क्योंकि पीछे से बहुत बड़ा आदमी आ रहा है लेकिन उसकी पूरी फोटो हमारी मिरर में बन जाती है। एक क्वेश्चन और आता है मेरे दोस्त, कभी भी आप किसी पहाड़ी इलाके में या दुर्गम स्थान पे जाएंगे जहां पर ब्लाइंड मोड होता है, ब्लाइंड का मतलब आपको पता नहीं उधर से कौन आएगा या आपको देख भी नहीं सकते, तो वहां पर जो मोड होते हैं वहां पर आप देखना बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं गोल गोल से, ठीक है। ये गोल से मिरर जो लगे होते हैं ये भी कौन से मिरर होते हैं, ये भी कन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर या उत्तर दर्पण क्या करते हैं, उधर से आने वाले ऑब्जेक्ट की शक्ल आपको मिरर में दिखा देते हैं, जिससे कि आराम से आप पता कर सकते हो कितने लोग वहां से आ रहे हैं। सभी क्लियर है? सभी क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ मिस्टर सेन जी बिल्कुल सही, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर होगा आपका कन्वेक्स मिरर। क्लियर है सभी का? तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तर दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? देखो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, रियर व्यू इन मिरर, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, वाहनों में रियर व्यू के मिरर के रूप में इसको यूज किया जाता है। सही है कि नहीं है? ध्यान रखना मेरे दोस्त, कभी भी टेंशन हो, कभी भी परेशानी हो, तो रसना नींबू पानी लेना है, कभी भी रखना नहीं है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के मिरर होते हैं। देखो सभी याद करा दूं, जो भी एग्जाम में आते हैं वो मैं सारे आपको याद करा देता हूं। देखो भाई, एक होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की दो ही एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे आपके लिए। एक तो आपका गाड़ी का जो लेंस, गाड़ी का जो मिरर होगा, ठीक है, और एक वो रोड के मोड़ वाला जो मिरर आता है, रोड पे जो मोड़ पे बना होता है वो वाला मिरर आता है, ठीक है। अब आपका आता है कौन सा मिरर, कन्वेक्स। तो देखो कन्वेक्स मिरर के अगर आपको एग्जांपल्स याद करने हैं तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। देखो एक कोड बना लो, हेलो दोस्तों, जैसे कोई आपसे बोले कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको वहां पर उनको क्या बोलना है, बताए आपको बोलना है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, ठीक है। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों सुबह शाम, सुबह शाम क्या करो, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। ऐसे एक कोड बना लो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ठीक। देखो जो कनकेव मिरर होता है या फिर अवतल दर्पण जो होता है, ध्यान से सुनना, पहला डेंटिस्ट का जो शीशा होता है उसमें क्या होता है, सॉरी जो डेंटिस्ट है उसमें क्या यूज होता है, कनकेव यूज होता है कि नहीं होता है, तो आपका ये हो गया। दूसरा हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट में आपका कौन सा शीशा होता है, कनकेव होता है। अगर एस की बात करेंगे तो सोलर इक्विपमेंट जितने होते हैं, सोलर मतलब कि सूर्य वाले इक्विपमेंट जितने होते हैं उसमें होता है। जो शेविंग क्रीम होती है, वो शेविंग क्रीम कह रहा हूं, शेविंग मिरर जो होता है उसमें भी आपका कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। सभी का क्लियर है? और अगर टी की बात करेंगे तो ध्यान रखना टॉर्च में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। तो देखो सब कुछ आपको यही क्लियर हो गया। देखो भाई कन्वेक्स की बात करेगा तो कन्वेक्स मिरर में केवल आपका एक गाड़ी वाला मिरर और एक रोड वाला मिरर जो मोड़ पे बना होता है। और कभी भी एग्जाम में आता है ध्यान का, हेडलाइट, डेंटिस्ट का मिरर, सोलर इक्विपमेंट का मिरर, उसके बाद टॉर्च का मिरर और शेविंग मिरर, ये सारे कौन से होते हैं, सारे के सारे कॉनकेव होते हैं। समझ में आया? सभी को क्लियर है? तो ये देखो मेकअप मिरर भी एक तरीके से शेविंग मिरर के रूप में यूज हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखना कभी भी एग्जाम में आएगा अगर आपको यहां पर रियर व्यू मिरर पूछ रहा है या फिर वो रोड के किनारे का मिरर पूछ रहा है तो वहां कन्वेक्स मारोगे, इससे ज्यादा एग्जाम में बेटा नहीं आएगा। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, एक क्वेश्चन बना लो और बड़े आराम से आपको तैयार हो जाएगा कौन सा मिरर होता है, ये कनकेव मिरर होता है, ठीक है। सभी क्लियर है? तो आराम से आपको याद हो जाएगा, फिर से बता दे रहा हूं, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, हेलो का मतलब हेडलाइट, डी का मतलब डेंटिस्ट, एस का मतलब सोलर इक्विपमेंट, एस का मतलब शेविंग मिरर और टी का मतलब टॉर्च, करो हो गया खाली, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो देखो आपके लिए अब यहां से क्या है, अब इसके बाद के कुछ नहीं आना, सारा पोस्टमार्टम कन्वेक्स कन्वेक्स का हमने यहीं पे कर दिया, ठीक है।
कुछ चीजें और ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो हमेशा ध्यान रखना, आपकी आंखों पे जो इमेज बनती है, जो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है, होती है कि नहीं? जिंदगी में इस बात को रट के रख लेना। देखो अगर आपका बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी जो इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है, तो इमेज अगर रियल है तो वहां जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है, वहां पर इमेज सीधी नहीं बनेगी। और अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल है, तो वहां पर इमेज कैसी बनेगी, वहां पर इमेज आपकी सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। इस चीज को दिमाग में भर के रख लेना, ठीक है। अगर रियल इमेज होगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी यानी कि आभासी होगी तो बेटा सीधी होगी, और अगर वास्तविक होगी तो वो उल्टी होगी। जैसे हमारी आंखों पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है लेकिन उल्टी बनती है, बनती कि नहीं बनती है, तो इस चीज को हमेशा रट के रख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, देखो भाई इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाएगा, अभी आपको पता है, सभी लोग बताइए वास्तविक या उल्टा, बिल्कुल सही, ठीक है दिव्यंदर, बिल्कुल सही कह रहे हो, वास्तविक या उल्टा मतलब रियल और उल्टा, और अगर आभासी होगी तो वो सीधी होगी, सभी को क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, समतल दर्पण के लिए छवि होती है, कौन सी छवि होती है भाई, सभी लोग बताएंगे कौन सी छवि होती है, कौन सी होगी भाई, वर्चुअल और इरेक्ट होगी कि नहीं। अब देखो बहुत सिंपल सा है, अब इतना सारे बता दिया आपको, देखो ये एक दर्पण है, आप यहां पे खड़े हो, एक यहां पर लड़का खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बन रही है भाई बताओ इमेज रियल है, नहीं, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो देखो एक चीज मैं आपको यही याद करा देता हूं, आंसर तो आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा वर्चुअल और इरेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुना, अभी अभी मैंने बोला अगर वास्तविक इमेज बनेगी तो वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी होगी, तो ये तो बात ही गलत हो गई, है ना, और अगर हमेशा आभासी इमेज बनेगी बेटा तो वो हमेशा सीधी बनेगी, तो ये वाले ऑप्शन तो सर्वथा गलत है, ये ऑप्शन तो सर्वथा गलत हो गए। अब इनमें से दो में से कोई एक हो सकता है, तो देखो ये आपका एक दर्पण है, आप इधर खड़े हुए हो, जो इमेज बनेगी वो आभासी बनेगी, ये बात आपको पता है, ठीक है, और इमेज से इमेज अगर आभासी बनती है तो बेटा आंसर क्या बनेगा, कैसी होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज होगी, तो इमेज भी आपकी सीधी बनेगी। और मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर और भी चीजें होती है, कुछ चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जब आपकी वर्चुअल इमेज बनी तो वहां पर आपकी कैसी इमेज बन गई, इरेक्ट। उसके बाद जितने लंबे आप यहां हो, क्या यहां लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्या लंबाई घट जाएगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं घटेगी, तो इसका मतलब साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, होगा या नहीं होगा। तो देखो जब किसी भी मिरर में आप इमेज की बात करोगे तो इमेज हमेशा आभासी होगी, सीधी होगी, और साइज हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद आपका एक चीज और आती है, आप कभी भी देखना, आप जब अपना दाहिना हाथ खड़ा करोगे मिरर में तो वो कौन सा खड़ा करेगा, लेफ्ट, आपकी जो इमेज हाथ खड़ा कर रही है वो लेफ्ट वाला खड़ा करेगी, यानी उल्टी, उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब मैं बहुत सिंपल से वर्ड में बता दूं, पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज बनती है, जो मिरर के पीछे बनती है, वो इमेज आप दाहिना होगा तो उसका बायां होगा, आपका बायां होगा तो उसका दाहिना होगा, होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड इमेज, इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि जस्ट हमारा दाहिना उसका बायां होता है, क्लियर है सभी को, सभी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहां पर आंसर आ गया वर्चुअल और इरेक्ट, और देखो ये तो दो ऑप्शन आपको गलत ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग क्लास में शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल, अरे सिंपल सी बात है, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, बताइए भाई किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने ये बात करी थी और अभी फिर ये वो बात आ गई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे भाई, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो अभी हम लोगों ने किया था, क्या होगा इसका आंसर, मास्टर कौन है भाई, मास्टर आपका कौन बोला जाएगा, यहां पर न्यूक्लियस बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, मेन केंद्रक ही तो होता है, सभी का क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड, लैटरली इन्वर्टेड। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या पूछा है, यहां पर कोशिकांग का क्या पूछा है, क्या पूछा है यहां पर, कोशिकांग का मास्टर पूछा है, तो कोशिकांग का मास्टर क्या होगा बताइए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा या न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या न्यूक्लियस होगा, तो यहां पर न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस बोला जाता है ना, इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का, ठीक है, इसको मास्टर नहीं बोलेंगे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं,
क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में क्या क्रिएट करता है, एटीपी। कितनी बार हमने पढ़ा है एटीपी का फुल फॉर्म, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कल ही बताया था मैंने आपको, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करोगे, श्वसन करोगे, तो आपको कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं। अगर आप ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी कि अनऑक्सीकरण क्रिया करोगे तो वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितने एटीपी बनते हैं, केवल 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना इस बात को कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जब हम पर्यावरण से सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है तो उतनी ही नाइट्रोजन क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। लेकिन हम केवल क्या करते हैं, हम केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या होती है, ये बाहर आती है। क्यों आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हमारी बॉडी में होता है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल सही। आशीष डोंगरे जी, मनाली, प्रदीप, दिवंग, सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को एक बार शेयर करेंगे भाई, क्लास को शेयर भी करते रहिए, ठीक है, आप ही लोगों के लिए सब हो रहा है, कुछ नहीं है। तो देखो यहां पर पोस्टमार्टम, पहला न्यूक्लियस आपका केंद्र के निमास से बोला जाता है, इसके बिना क्या नहीं होगा, इसके बिना आपका सेल का मतलब ही नहीं बनता। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होती सेल बोला जाता है, क्योंकि यही एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखो भैया एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है, सोरोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, लॉजी लॉजी बहुत एग्जाम में आते हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, अभी आज मैं आपको इतने सारे बता दूंगा वहां पे कि आप कभी परेशान नहीं होगा, वही एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो मेरे दोस्त, एग्जाम में वही आएगा जो यहां पर आपको एक्स्ट्रा में एक्सटेंडेड में बता रहे हैं, समझ में आया। तो सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश, क्या होता है भाई, सभी को पता है सर कि लिजार्ड यानी कि छिपकली के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं, समझ में आया, सभी का क्लियर है। तो सभी लोग एक बार दबा के क्लास को शेयर करेंगे भाई, विशाल पाठक जी, रेवाती, शानू, सभी लोग दबा के क्लास को शेयर करेंगे। और यहां पर आंसर क्या आएगा, लिजार्ड। अगर हम बात करें सर पोस्टमार्टम कर दीजिए, तो लीजिए भाई हम करते हैं पोस्टमार्टम, मॉस्किटो, कॉकरोच, ध्यान रखना कितनी बार आपको बताया मैंने, इसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं, आर्थ्रोपोडा दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है अकशेरुकी जीवों का। अकशेरुकी जीव क्या होते हैं सर, अरे सर आपने बताया था, अकशेरुकी जीव वो होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और उस वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और कॉकरोच और मॉस्किटो ये दोनों काहे में आते हैं, ये दोनों इंसेक्ट में आते हैं। तो आपको पता है मॉस्किटो और कॉकरोच के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मॉस्किटो एंड कॉकरोच इज नोन एज आर्थ्रोपोडोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोपोडोलॉजी सेम है, आर्थ्रोपोडा को क्या कर दो, पोडोलॉजी कर दो, ठीक है। आर्थ्रोपोडोलॉजी क्या होता है, ये आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों का अध्ययन होता है। और नेक्स्ट आता है आपका स्नेक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्नेक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग एक बार बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो देखो एक ही क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला सोरोलॉजी क्या होता है, लिजार्ड के अध्ययन को बोलते हैं, सांप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, इन दोनों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। मेरे दोस्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि मॉस्किटो की जगह यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर और कोई भी कीट लिखेगा तो भी आपका यही होगा। क्लियर है सभी को, सभी का क्लियर है हर्पेटोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हो गया आशा पांडे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे कूदने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जितना आप ऑप्शन तोड़ोगे उतना ही आपका फायदा होगा, आगे कूदने वाले फिर आगे रह जाते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, देखो मनुष्य के अध्ययन की बात को बोलेंगे तो यहां पर क्या होगा बताइए, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी या आर्कियोलॉजी या आर्कियोजूलॉजी। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई, यहां पर आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा राकेश पासवान बेटा साथ में चलो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन भी लिखे लिखना भी है मेरे दोस्त, यहां बैठकर केवल आपको रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किससे मनुष्य का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, मनुष्य के अध्ययन को हम लोग क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और अगर कभी आपको ये पूछ लेगा मेरे दोस्त एंड्रोलॉजी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा एंड्रोलॉजी होता है मनुष्य मतलब पुरुषों के गोनेड्स के अध्ययन को, या मतलब जो सेक्सुअल संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में
सेक्सुअल थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल थ्योरी की जांच को ही क्या बोला जाता है, एंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी का? तो वहां एंथ्रोपोलॉजी और एंड्रोलॉजी देखो कितना कंफ्यूजिंग है। तो एंथ्रोलॉजी क्या होता है, मनुष्य के अध्ययन, और पुरुषों के गोनैड्स यानी कि जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी आप लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं, और जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना है, एक 1.5 है, में प्रकाश की गति डैश होगी, बताइए भाई। सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई, साइंस पीछे का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, हाँ जननांग से संबंधित, बिल्कुल सही। ठीक है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मनाली बेवजह बफरिंग, बफरिंग क्यों चिल्ला रहे हो बेटा, है बेवजह बफरिंग बफरिंग बता रहे हो। चलिए यहां पर क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो ध्यान रखिएगा द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, तो ध्यान रखना यहां पर व्यू बराबर कितना दिया, 1.5 दिया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, व्यू का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, प्रकाश का वेग काय में, या तो आप एयर में बोल लो या वैक्यूम में, कहीं भी बात करोगे वो उतना ही होगा। ठीक है, बटे क्या होगा, प्रकाश का वेग किसमें, मैटर में, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो प्रकाश का वेग मैटर में, समझ में आया। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, कोई मीडियम में हमें पता नहीं है ध्यान रखना, लेकिन यहां पर दिया है 1.5 बराबर कितना दिया, 1.5 बराबर प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको हम 3/2 लिख लें, इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो इसको 3/2 लिखेंगे तो 3-3 कट जाएगा, 3-3 कट जाएगा, तो जो प्रकाश का वेग पूछ रहा है वो कितना आया, वो आया 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं आया। और यहां पर आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा आपका बी, सभी का क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कहीं मेरे को बता दो, रचना गुप्ता जी बफरिंग हो रही है तो मनाली के साथ बैठे हो क्या, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 2.0 यानी 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब सभी लोग बताएंगे कि ये प्रकाश का वेग का माध्यम क्या होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्जाम में पूछ लेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट कौन से माध्यम में होती है, सभी लोग इस बात को बताएंगे, सभी लोग इस बात को बताएंगे कि ये काहे में होती है। तो ध्यान रखिएगा ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें है, ग्लास में। मेरे दोस्त एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना जो स्पीड ऑफ लाइट जो दी है 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, इसमें माध्यम क्या है, इसमें माध्यम ग्लास आ रहा है, इस चीज को याद करके रख लो। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या पूछा जाता है, आपको वाटर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वाटर का जो होता है वो कितना होता है, 4/3। ठीक है, वाटर का 4/3। अगर आप हीरे की बात करोगे तो हीरे का कितना होगा, 2.42 होगा या नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया करते हैं, इन सब चीजों को रट लो, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आपका ग्लास का पूछ लिया करता है, वाटर का पूछ लिया करता है, और आपका हीरे का पूछ लिया करता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अरे यार फिर से हिंदी में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया सर क्या कह रहा है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। भैया मैंने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, आपसे क्या पूछा है, फॉर्मूला, हाँ इसीलिए। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करेंगे, तो ध्यान रखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त, अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछ रहा है बस। यहां क्या है, गड़बड़ किया है, देखो ये इंटू लगा रखा है तो गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया था म्यू बराबर कितना होता है, प्रकाश का वेग, या तो आपका प्रकाश का वेग किसमें, एयर में या वैक्यूम में, एक ही होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का वेग काय में, माध्यम में। तो म्यू बराबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग कहीं भी हवा में या वैक्यूम में बटे प्रकाश का वेग उस माध्यम की बात कर रहा है। ठीक है, तो बटे की बात करता है तो यहां प्लस होगा नहीं, इंटू होगा नहीं, दो तो ऐसे कट गए। अब अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, ये जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल बोलना है तो बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखिए इंग्लिश वाले जान लेंगे, म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, समझ में आया सभी का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो इंग्लिश में भी तो दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोनार, सभी लोग बताएंगे सोनार और सोनार का यूज क्या होता है। बहुत बार आपने पढ़ा है इसको, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अभी आपके इस जेई के पेपर का ये क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इस बार की किसी शिफ्ट में भी आया था। आज ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपकी शिफ्ट में भी आएंगे, ठीक है। क्या हुआ देवानंद कुमार जी, तो सभी लोग क्लास को एक बार दबा के जरा शेयर भी करेंगे। तो देखिए सोनार का पूरा नाम क्या होता है, सभी को पता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो रीचिंग नहीं होता है, रैगिंग नहीं होता है, रीडिंग नहीं होता है, आंसर क्या है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। समझ में आया, तो ये हो गया आपका सोनार। सोनार का प्रयोग कैसे क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि समुद्र के अंदर की गहराई को मापने के लिए या समुद्र के अंदर रहने पाए जाने वाले फॉसिल्स या समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म की गहराई को जानने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक नॉर्मल वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इको कहते हैं। इको क्या होता है, प्रतिध्वनि। जब कहीं से भी आवाज साउंड उत्पन्न किया जाए और वो कहीं से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको कहते हैं। इको के लिए एक अच्छा इको सुनने के लिए, मतलब जैसे मान लो ये रूम अगर बड़ा होता तो यहां पर मेरी आवाज गूंज रही होती, कभी कभी जैसे गूंजती है, तो ध्यान रखिएगा इको के लिए मिनिमम दूरी होनी चाहिए कितनी, 17.2 मीटर। समझ में आया, ध्यान रखिएगा 17 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अवरोध से खड़ा है तो उसको सुनाई दे जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा अंदर आएगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। क्लियर है सभी का, सभी क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, सुना, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इको के बारे में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए जितने में उसको आराम से चीजों को सुन, इको सुन सके। 17 मीटर से कम दूरी पे जाएंगे तो फिर वहां इको का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अरे मेरे भाई वही क्वेश्चन आ गया, देखो अभी बोला था कि नहीं, What should be the minimum distance between the source and the reflector for a echo? तो ध्यान रखिएगा कम से कम दूरी, वैसे तो 17.2 दी जाती है लेकिन यहां 17 दे रहा है तो यह भी सही है। ध्यान रखिएगा 17 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु मतलब कोई भी साउंड को क्रिएट करने वाला और अवरोध अगर खड़े हैं तो वहां पर इको क्लियर सुनाई दे जाएगा, इससे ज्यादा अंदर जाएंगे तो क्लियर सुनाई नहीं देगा। सभी का क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्लास को क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करो भाई, 12 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा उर्ध्वपातन कर सकता है, अच्छा सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन की सिंपल सी खातिर, सब्लिमेशन की बात क्या होती है, जब किसी भी सॉलिड को हम क्या करें, गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, उसके बाद वो गैस फॉर्म में आता है, आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब किसी भी सॉलिड को जैसे कि कपूर, ध्यान रखिएगा जैसे कि कपूर को जब हम गर्म करते हैं, हीट करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर सीधे किस में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। जब कोई भी पदार्थ हीट करने पर क्या होगा, सीधा गैसेस फॉर्म में चला जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर हो गया सभी का, तो सब्लिमेशन कौन कौन करता है भाई, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन क्या है, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है भाई, यहां पर होगा आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट होगा या अमोनियम क्लोराइड होगा, सभी लोग बताइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कपूर भी सब्लिमेशन करता है, आयोडीन भी सब्लिमेशन करती है, और एक सब्लिमेशन कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड करता है। सभी का क्लियर हो गया, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर अमोनियम क्लोराइड यहां की इसकी जगह आ जाएगा क्या, कपूर, तो आंसर कपूर होगा या फिर आपका आयोडीन भी होगा। आयोडीन हो या कपूर हो, इनको आप जब गर्म करेंगे तो क्या होंगे, वो सीधे आपके गैसेस फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, रिएक्शन को पूरा कर रहा है, तो रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन आपका आ रहा है क्या, पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस HCl बराबर PbCl2 और आपका लेड की बात कर रहा है प्लस H2O, इस रिएक्शन को पूरा कर रहा है। वहां पर क्या पूछ रहा है, समीकरण पर ध्यान दे, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होती है। अच्छा यह पूछ रहा है इस रिएक्शन को पूरा करो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आया, अब यहां पर क्या है, लेड कितना है, एक है, यहां पर भी एक है, क्लोरीन यहां पर एक है, यहां पर दो है, अगर हम यहां दो कर देंगे तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे जो कि यहां पर है, ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी, तो आंसर आपका क्या हो गया, दो। क्लियर है, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन ये तो बहुत, और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, रिएक्शन अगर एग्जाम में आती है तो आसान ही आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन का भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यह पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
क्या कह रहे हैं, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? मेरे भाई एक बात बताओ, हम कहते हैं ये ऑप्शन नहीं दिया गया, कुछ और दे देगा। भैया हमें इनमें क्या कर रहे हैं, ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये कंपाउंड है H2SO4, HNO2, CO2 और CaOH होल्ड वाइज। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इन्हें परमाणु गिनने। तो भैया यहां पर एक हाइड्रोजन का हो गया, एक नाइट्रोजन का हो गया, दो ऑक्सीजन के हो गए, तो यहां आ गए आपके चार। अरे सर यहां पर आपने बताया दो हो गए हाइड्रोजन के, एक हो गया सल्फर का, चार हो गए ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए, चार पांच छह सात। ठीक है, तो यहां पर आ गया सात। CO2 के एक प्लस दो हो जाएगा तो आ जाएगा तीन, और CaOH छोड़ रहा है तो CA का एक हो जाएगा, O के दो हो जाएंगे और हाइड्रोजन के भी दो होंगे। अब होगा क्या, बच्चा क्या करेगा, इसको देख के आंसर मारेगा और एग्जामिनर आपको ऐसे मारेगा, आंसर क्या होगा, H2SO4 होगा, क्योंकि इसका भी टोटल इसमें परमाणु कितने होंगे, पांच होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, H2SO4 होगा। और किसी को परेशान नहीं होना है, ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करते रहो। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका H2SO4 होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री टेम्परेचर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आया, बेसिक थ्योरियां आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका देखो कंफ्यूज करने के लिए मीटर सेकंड दिया, मीटर पर सेकंड दिया है, तो आंसर क्या होगा, 331 मीटर पर सेकंड। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सर, इनका पोस्टमार्टम भी कर देंगे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड होती है। सभी को क्लियर है, एनसीईआरटी के हिसाब से 331 मीटर पर सेकंड माना जाता है, लेकिन मैं कहूं तो कई किताबों में आप देख लो तो 330 भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होएगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 0 डिग्री से कम होगा तो स्पीड घट जाएगी, 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि 1 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा वैसे आपकी साउंड की स्पीड क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या बढ़ेगा बेटा, आर्द्रता बढ़ेगी, अगर हवा में आर्द्रता बढ़ेगी तो आर्द्रता बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आर्द्रता बढ़ने का मतलब इसमें काहे की मात्रा बढ़ रही है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, और पानी की मात्रा बढ़ रही है तो क्या होगा बताइए, पानी की मात्रा बढ़ रही है तो साउंड की स्पीड सबसे कम गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद आपका सॉलिड में होती है। तो देखो पानी की मात्रा बढ़ रही है यानी कि लिक्विड बढ़ रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है तो साउंड की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखिएगा, आर्द्रता बढ़ने की स्थिति में जो ध्वनि की जो वेग है वो क्या होता है, बढ़ता है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, चलिए। हाँ, 330 बेटा ध्यान रखा, ज्यादातर 330 लिखा है लेकिन एनसीईआरटी इसको 331 ही मानती है। ठीक है, तो 331 ही यहां पर आंसर होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी हैज पीएच लेवल, अच्छा मानव शरीर, अरे मानव शरीर का पीएच, अरे नहीं भाई यहां पर गलत टाइप हो गया है, यहां पर ब्लड की बात कर रहा है। ठीक है, मानव शरीर के पीएच बोला है किसका, ह्यूमन बॉडी के ब्लड की बात कर रहा है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होगा भाई, 7 से 7.8 कितना होगा भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहां पर बताएंगे कि कितना होगा, कितना होगा भाई, यहां पर आंसर क्या होने वाला है, 7 से लगभग, ब्लड का लगभग पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर लगभग लगभग कितना हो जाएगा, लगभग लगभग आपका 7 से 7.8 के बीच में होगा। क्लियर है, तो यहां पर आपका ब्लड का पीएच, पीएच मान कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत हल्के हल्के होते हैं, आप बड़े आराम से इनको याद भी कर सकते हो। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, सभी लोग क्लास को दबा के क्वेश्चन को करेंगे और फिर से हम पोस्टमार्टम करेंगे। देखो इस सवाल में हम करते हैं पोस्टमार्टम, क्या करेंगे इसमें पोस्टमार्टम, देखिए इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता होता है। देखो भाई यूनिवर्सल दाता की बात करेंगे तो देखो यहां पर क्वेश्चन बेटा कैसे चेंज करेगा, अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो ओ हो गया, हो गया। ठीक है, आंसर हमें आ गया, सर जरा इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। देखो भाई लैंड स्टीनर का नाम सभी ने सुना है और लैंड स्टीनर ने ही क्या किया था, ए बी ओ ग्रुप की खोज की थी या नहीं की थी, उसके बाद एक आंसर आया लैंड स्टीनर आ गया। सर लेकिन हमने कभी कभी देखा है सर कि जैसे कि कोई ग्रुप है ब्लड ग्रुप है तो ओ पॉजिटिव भी होता है ओ निगेटिव भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप कि लैंड स्टीनर ने केवल ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इन्होंने पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताया था। इसको बोलते हैं बेटा आरएच फैक्टर, क्या बोलते हैं आरएच फैक्टर कहते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर ऑप्शन में आपका यहां पर मान लीजिए यहां पर ओ आ जाए और यहां पर लिखकर आ जाए ओ निगेटिव, तो बेटा आंसर हो जाएगा गड़बड़। पूछो क्यों, आप ओ कर दोगे जबकि आंसर क्या होगा ओ निगेटिव होगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि ब्लड ग्रुप की जब खोज की गई तो उसके बाद जब किया गया क्या आरएच फैक्टर, तो ध्यान रखिएगा पता चला बाद में कि वीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की कि भैया खून में एक डी एंटीजन भी पाया जाता है। अब ध्यान से सुन लेना,
डी एंटीजन जिसके रक्त में होगा उसका रक्त का जो ग्रुप होगा वो पॉजिटिव पे आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ए है, तो मेरा वास्तविकता में ए है, तो मेरा ए पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, मेरे रक्त में आरएच फैक्टर पाए जाते हैं, यानी मेरे रक्त में डी एंटीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से मेरा रक्त क्या है, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। और सबसे पहले इसकी खोज हुई थी एक रिसेस नाम के बंदर के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इसी वजह से इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा। तो ध्यान रखिएगा रिसेस नामक बंदर के अंदर इसकी खोज की गई थी सबसे पहले, और ये किसने की थी, ये विनर ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डी एंटीजन जहां पाया जाता है रक्त में वहां पॉजिटिव होता है, वैसे ही आपके ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव दोनों होते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव अब बढ़ गए, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो ध्यान रखिएगा सबसे तगड़ा जो डोनर है मेरे दोस्त वो ओ निगेटिव है, और दुनिया में ओ निगेटिव सबसे कम मिलता है, ठीक है। तो आंसर ओ आया, ठीक है आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर यहां ओ निगेटिव आ जाता तो आंसर आपका ओ निगेटिव होता। क्लियर है सभी को? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आरएच फैक्टर क्या होते हैं, जिसकी बॉडी में क्या पाया जाता है, जिसकी बॉडी में डी एंटीजन पाया जाता है उसकी बॉडी में जो रक्त होता है वो पॉजिटिव ग्रुप का होता है। सभी को क्लियर है? अब तो ए निगेटिव भी, और ऐसे ही बिल्कुल ए बी जिसको सर्वग्राही कहते हैं, ए बी क्या होता है बेटा, सर्वग्राही होता है। लेकिन ध्यान रखना इनमें भी ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सबसे बड़ा सर्वग्राही होता है। तो ध्यान रखना आंसर आसान आते हैं, क्वेश्चन आसान आए हैं, लेकिन यहां पर आपका गलत भी हो सकता है अगर पॉजिटिव निगेटिव कर देगा तो। समझ में आया सभी का? क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यहां पर पॉजिटिव निगेटिव कैसे आते हैं। क्लियर है सभी का? तो ध्यान रखिएगा ओ निगेटिव सबसे बड़ा डोनर होता है, ठीक है। और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, और आरएच फैक्टर रिसेस नामक बंदर के अंदर पाया गया था। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आफ्टर डाइजेशन द कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू डैश, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, सभी लोग इसका दबा के जरा आंसर देंगे, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई। तो यहां पर आंसर क्या होगा, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। सिंपल सी बात, कितनी बार पढ़ा है मेरे दोस्त, अरे सर अब तो ये दिमाग में रट गया, क्या मुंह में खाना गया, मुंह में खाना जाते ही सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी का मतलब होता है मुंह का छेद, ठीक है, मुंह का जो स्पेस होता है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में बक्कल कैविटी ही लिख के आता है, हिंदी में भी तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। बक्कल कैविटी में जैसे खाना जाएगा तो हमारी लार में मिलता है टाइलिन, मिलता है कि नहीं, टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है, ये हमारे खाने से क्या बाहर करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है कि नहीं करता है। अरे सर याद आ गया, आपने बताया था सर यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा या ग्लाइकोजन होगा, तो ग्लूकोज होगा। ध्यान रखना धोखे से भी ग्लाइकोजन को मत बोलना, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो टूट के बॉडी को मिलता है ये ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में क्या होता है, इकट्ठा होता है, सब शरीर में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन ये ग्लूकोज के रूप में ही शरीर को प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त नहीं होता। सभी को क्लियर है? सभी का क्लियर है? चलिए यहां पर आंसर, आंसर ए बता रहे हैं, ए नहीं होगा मेरे दोस्त। देखो हो गया गलत, हो गया गलत, कोई भी क्लियर गलत नहीं करेगा। ध्यान रखिए ग्लाइकोजन नहीं होगा, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। यहां पर क्या किया है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में आता है तो वो किसके रूप में आता है, वो आता है आपका किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में आता है, जिसको C6H12O6 भी आप कहते हो, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा बेटा तब ये जाकर क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन बनेगा जो बॉडी में इकट्ठा होगा, ठीक है। उसके बाद दो चार चीजें और देख लेते हैं। अब उसके बाद अमीनो एसिड, ये किसको किससे बनता है, प्रोटीन को तोड़ तोड़ के क्या बनते हैं, अमीनो एसिड। कल ही आपको बताया था कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 20 अमीनो एसिड मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अरे सर आपने बताया था, ये देखिए ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, यहां आर लगता है, यहां एच लगता है, और यहां पर अमोनिया लगता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फैटी एसिड किससे मिलता है, फैट से प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये यहां पर आपके हो गए आंसर, आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, हो गया छोड़ देंगे इसको, लेकिन बाकी के ऑप्शन को देखेंगे। एबीओ ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी या नहीं की थी। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कार्ल लैंडस्टीनर के अलावा कौन से लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लोग बैठे हैं वो कौन से है भाई, ध्यान रखिएगा आपका एक कौन से है, एक आपके मार्क कॉनर है, एक मॉरिस हिलमैन है, और एक आपके एडवर्ड जेनर है। इनमें से जो मॉरिस हिलमैन है और एडवर्ड जेनर जो है, ये काहे के लिए जाने गए, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही बेटा वैक्सीनेशन के लिए जाने गए हैं, वैक्सीनेशन,
ये दोनों ही वैक्सीनेशन यानी दवाइयों के निर्माण में या वैक्सीन के निर्माण में जाने गए हैं। और किसकी वैक्सीन के ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर को हमेशा जाना जाएगा इतिहास में किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के लिए, समझ में आया। तो एडवर्ड जेनर हो गया, उसके बाद आता है आपका कार्ल, क्या है मार्ल कॉलर, है ना, मार्ल कॉलर क्या है भाई, इनके बारे में क्या कहेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोकीन को, ध्यान रखिएगा आंखों की सर्जरी के लिए कोकीन को इन्होंने एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया था। तो ध्यान रखिएगा कोकीन वही जो मादक होता है, तो ध्यान रखिएगा कोकीन को लोकल एनेस्थेसिक यानी कि लोकल एनेस्थीसिया के रूप में जब आंखों की सर्जरी होती है तो आई सर्जरी के दौरान इन्होंने उसको बोला था कि काल वो आपका माल कॉलर ने क्या कि कोकीन को आप प्रयोग कर सकते हो लोकल एनेस्थेसिक के रूप में जब आई की सर्जरी की जाती है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि जब वो जब आंखों से मोतियाबिंद निकाला जाता है, कैराटोम जब निकाला जाता है, तो वह जो उपकरण यूज होता है मैंने बताया था वो काहे का बना होता है। ठीक है, आप लोग को मैंने कई बार बताया है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, कई बार आप लोगों को ये बात मैंने बोली थी क्या कि जब आंखों से मोतियाबिंद निकालना होता है तो उसमें किसका प्रयोग होता है, उसमें डायमंड का उपकरण होता है जिससे आपका क्या निकाला जाता है, कैराटोम निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लार में कौन सा एंजाइम होता है, देखो अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्या, सर इसमें क्या होता है बताओ, देखना एक बार ध्यान रखना यहां पर एमाइलेज लिखा है तो आंसर क्या होगा, एमाइलेज, लेकिन ये एमाइलेज आपके पैंक्रियाज से निकलता है यानी ये आपके अग्नाशय से निकलता है, और यही एमाइलेज जब आपके लार में निकलता है तो इसका रूप क्या होता है, टाइलिन होता है। कितनी बार आपको बताया, बताया कि नहीं बताया, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, लाइपेज की बात कर रहा है, आपको मैंने बताया था लाइपेज क्या होता है भाई, लाइपेज आपका स्टोमक से निकलता है जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है, फैट के डाइजेशन में करने का काम किसका है, लाइपेज का है, जो कि आपके स्टोमक से पेप्सिन रेनिन और लाइपेज निकलते हैं। कितनी बार आपको बताया है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए भाई सेल की जो थ्योरी है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ाया क्या कि सेल थ्योरी को में क्या मतलब होता है, हर जीव के शरीर सेल से बना है या हर जीव का शरीर कोशिकाओं से बना है, यही पढ़ाया गया ना। अब इसमें कह रहा है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता, तो एक सिंपल सी बात सभी लोग इसका आंसर बताएंगे एक बार, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे एक बार, ठीक है, लार में एमाइलेज उसी को बेटा बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, वेरी गुड, इश्फाक मीर ने बहुत सही आंसर दिया है, ध्यान रखिएगा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसमें नहीं होती है, एल्गी में भी होती है, फंगी में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, ध्यान रखिएगा यहां वायरस में नहीं होती। एक बात मैं आपको बता दूं, इस चीज को लिख लेना हमेशा ध्यान रखना, वायरस दो तरीके से काम करता है, वायरस जब बाहर होगा हवा में होगा तो ये अजीब के रूप में काम करता है, मतलब कि ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन जब ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर में प्रवेश करने के दौरान, बॉडी में प्रवेश करने के दौरान ये एक जीव की तरह काम करने लगता है। ठीक है, ये एक जीव की तरह काम करता है, तो ये ध्यान रखिएगा वायरस दुनिया के ऐसे जीवों में है जो सजीव और अजीव दोनों तरीके से काम करता है, यानी ये नॉन ऑर्गेनिज्म भी है जब ये हवा में है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये शरीर के अंदर आ गया तो ये शरीर के अंदर आने पर जीव की तरह काम करता है, जैसे कि आपने अभी हाल ही में सुना होगा COVID-19 वायरस, लाख घूम ले पूरी दुनिया में कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके अंदर घुसा तो आपको परेशान करेगा, फिर आपकी बॉडी में बनेंगी एंटीबॉडीज, क्या बनेंगी भाई एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज कौन बनाएगा, सभी लोग बताएंगे कि WBC का कौन सा पार्ट होता है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मैंने आपको कल भी बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, एंटीबॉडी का निर्माण WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में या WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में एंटीबॉडी बनाने वाला कौन होता है, लिम्फोसाइट होता है, कौन होता है भाई लिम्फोसाइट होता है कि नहीं होता है, तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, जब किसी को एड्स हो जाता है तो एड्स होने के दौरान उसके सेल उसके जो WBC होते हैं उनके लिम्फोसाइट मर जाते हैं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतना तो लोगों ने इस बार एंटीबॉडी डोनेट करी है। एल्गी की बात करें, ये तीनों किसमें आते हैं, ये तीनों थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं, प्लांट के थैलोफाइटा वर्ग बोले जाते हैं, क्या एल्गी फंगी और बैक्टीरिया, समझ में आया, ध्यान रखिएगा। आपको एक और क्वेश्चन बताया बेटा, एग्जाम में आ सकता है, लाइकेन के बारे में पूछता है, लाइकेन एक सहजीवी प्लांट होता है जिसमें एल्गी और फंगी एक ही जगह है ऐसी, जहां पर शैवाल और कवक दोनों ही एक साथ पाए जाते हैं, कहां पर, लाइकेन, लाइकेन एक प्रदूषण का सूचक भी होता है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, लिम्फोसाइट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एल्गी फंगी बैक्टीरिया भी पूछा करते हैं, ठीक है, क्लियर रखिएगा।
फंगी की बात करते हैं तो फंगी ध्यान रखना, जो मशरूम होता है इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मशरूम में कितना प्रोटीन होता है, 51 से 53% प्रोटीन होता है, ठीक है। एल्गी में क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ दीज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो भैया ये पूछ रहा है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, मोटर कर सकता है, डायनामो कर सकता है, बैटरी कर सकती है, जनरेटर कर सकता है, ये सभी लोग बताएंगे। तो देखो भाई यहां पर अगर हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने सेल के बारे में पढ़ा है ना, जो सेल बैटरी जो सेल्स होते हैं। अब जब सेल बनाए, जब खूब सारे सेल्स मिलाए जाते हैं तभी तो बैटरी बनती है, तो बैटरी को तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को, बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि बैटरी आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। लेकिन अगर यहां पर क्या आएगा, सेल आएगा, तो आंसर क्या, हमको आंसर देखना था ना, तो सेल, सेल क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी होती है, तो सेल अपनी केमिकल एनर्जी को क्या होता है, इलेक्ट्रोड यूज होते हैं कि नहीं, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बहुत सारे सेल मिलाकर ही तो क्या बनती है, बैटरी बनती है, तो आंसर क्या हो गया, बैटरी आ गया। अब सर इसे आप जरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा पोस्टमार्टम की अगर बात करें क्वेश्चन के पोस्टमार्टम की, तो ध्यान रखना यहां पर अगर हम मोटर की बात करते हैं भैया, जिस मोटर को चला के आप पानी चढ़ाया करते हो, तो मोटर चलती किससे, इलेक्ट्रिक से चलती है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को काहे में यूज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी बना देता है, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, कौन, मोटर, ठीक है। अगर हम डायनेमो और जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर का जो पहिया घूमता है उसमें क्या किया जाता है, ठीक है, 80% मशरूम में, देवानंद जी गलत है बेटा, ध्यान रखना उसमें फैट भी होता है, मशरूम में फैट भी होता है, जो जनरली जो डिक्लेयर किया गया है वो 51 से 53% क्या गया, 80% केवल उसी पर प्रोटीन होता, हर आदमी फिर वही खाए, और कुछ तो खाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डायनेमोस और जनरेटर में क्या होता है, कौन बताएगा इसके बारे में, तो ध्यान रखिए डायनेमो और जनरेटर की अगर हम बात करेंगे, तो डायनेमो और जनरेटर में क्या होता है भाई, ध्यान रखिएगा ये क्या करेंगे भाई, ये क्या करते हैं, जनरेटर जब हम चलाते हो क्या करते हैं, ताकत लगती है कि नहीं लगती है, और फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा डायनेमो और जनरेटर ये मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, उसको घुमाने में ताकत लगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी लगी, वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, जब वो घूमता है तेजी से, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोगों ने देखा है शादी वादी में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर का यूज होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी को काहे में लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में लेकर आ रहा है। सभी का क्लियर है, सभी को क्लियर है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे, इसलिए मोदी मशरूम यूज करता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इतना बात ध्यान दो मेरे दोस्त, अपने सिलेक्शन में ध्यान दो, छोड़ो इन सब बातों को, ठीक है, छोड़ो कल की बातें, ये देश तुम्हें सुधारना है मेरे दोस्त, ये देश तुमसे सुधरेगा, ठीक है। ध्यान रखना तुम्हें सुधारने के लिए पहले खुद को अपने पैर पर खड़ा करना पड़ेगा, इस देश का कर्ज है हमारे ऊपर, जो हमें यहां पर उतार कर ही जाना होगा। अवर एनामल इज मेड ऑफ, ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं दंत बलक, ध्यान रखना कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनामल इज मेड अप ऑफ, तो एनामल यानी कि हमारे दांतों के ऊपर एक बहुत हार्ड सी परत होती है, उसको बोलते हैं एनामल। अब एनामल काहे का बना होता है, सर जी आंसर तो आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, गौर से देखो, एनामल इज मेड अप ऑफ, एनामल होता क्या है, जो आपके दांत होते हैं ना, आपके दांतों पर एक परत बनी होती है, एक हार्ड परत होती है जो दांतों को रक्षा करती है, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, एनामल कहते हैं। और यह एनामल किससे बनता है, यह एनामल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। अब यही कैल्शियम फॉस्फेट, यहां पर कहीं दिया कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट नहीं दिया, ध्यान रखना यही कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को भी क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। सभी को क्लियर है कि नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक बीमारी पड़ी थी ऑस्टियोपोरोसिस, क्लियर है सभी का, 23 का ए, बिल्कुल सही है। तो कैल्शियम फॉस्फेट ही क्या करता है, एनामल का निर्माण करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा होता है, एनामल होता है, ठीक है। ये बंधन कर लेने से दांत सही और खराब नहीं होते हैं, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एनामल है, दांत वैसे भी सही रहते हैं अगर उनको सही से पानी से भी साफ रखा जाए तो। प्राचीन काल में कोई बंजर नहीं होते, लेकिन दो लोगों के दांत अच्छे होते थे, क्यों होते थे, उसके पीछे मेन कारण है क्योंकि वो लोग समय से चलते थे। हम लोगों का क्या होता है, मैं तो रात को 2 बजे भी उठा, भूख लगी, खा लिया, फिर सो गया, पानी पी के, तो दांत तो खराब होंगे ही होंगे। दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो बात होगी एनामल की, बाकी मैंने दांतों के बारे में 2-1-2-3 आप लोगों को बताया है, दांतों का फॉर्मेशन, इंसाइजर, कैनाइन,
प्रीमोलर मोलर विजडम टीथ अकल डाल आपको बताई थी कि नहीं बताई थी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट ही क्या करते हैं, यही हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। सभी का क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। क्लियर है सभी का? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, हाँ मोनिका जी क्लास रोज होती है, ठीक है। सुनील सिंह जी अगर सर से बात करें सर को फोन कर लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डैश लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फॉर हाइपरमेट्रोपिया। देखो यार, आंखों से संबंधित दो बीमारियां होती हैं मेरे दोस्त, है ना। एक बीमारी होती है, मेन बीमारियां जो होती हैं, एक होती है मायोपिया, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब यहां पर आप आंसर देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का प्रयोग किया जाता है। अरे बड़ा सिंपल है सर, देखिए ये हो गई आपकी आंख, ठीक है, और ये हो गई आपकी पुतली, ठीक है। अब लाइट रे जब एंटर अंदर घुसती है, जब प्रकाशी किरण घुसती है, तो हमारी आंखों में होता है बेटा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये कन्वेक्स लेंस इमेज को छोटा करके, मतलब इमेज को डिमिनिश करके आपकी जो रेटिना होती है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करता है। सभी को बताया है, सभी को पता है सर कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है और उल्टी बनती है। अभी तो पढ़ा था मेरे दोस्त, जब कभी भी इमेज रियल बनेगी तो वो उल्टी होगी, वर्चुअल यानी आभासी बनेगी तो वो सीधी होगी, होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा रेटिना पर जो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। अब ये कह रहा है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो किस लेंस का प्रयोग करेगा। देखो भाई हो क्या रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, मतलब उसको दूर की चीजें दिख जाती है लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ध्यान रखें जस्ट उल्टा होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, उसमें निकट की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बेटा हम बात करेंगे तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो लाइट रे अंदर जाती है ना, ये लाइट रे अंदर जाने के बाद यहां पर इमेज बनाती है, कहां, रेटिना के पीछे। जब ये रेटिना के पीछे इमेज बनाएगी तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। सभी को पता है नियर पॉइंट कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर से हम किसी भी चीज को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो क्या करोगे यहां पर, कुछ मत करो, यहां एक और कन्वेक्स लेंस लगा दो। अगर एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये इमेज को पीछे लाके बनाएगा। तो यहां पर अगर एक लेंस और लगा देंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक से गई डिविएट हुई, दूसरी से गई डिविएट हुई और फिर से वो आपकी रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं, वो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी उनको आगे बनानी थी। समझ में आया, सभी का क्लियर है कि नहीं है, सभी का क्लियर है। बैटरी, ओ एक मिनट, एक मिनट बताता हूं आपको बैटरी के लिए, मैं बोल देता हूं, ठीक है यार, बैटरी जा रही है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, बैटरी अपनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सभी को क्लियर है, सभी का क्लियर है। तो देखो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, कन्वेक्स लेंस आपका आंसर होगा, ठीक है। दो मिनट के लिए रुकेंगे सभी लोग, ठीक है। फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे भाई। वैसा आ रहा है, वो स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चली गई। सभी लोग एक बार क्लास को देखे रहेंगे, सभी लोग बने रहेंगे भाई यहां पर, ठीक है। अभी बस आवाज आ रही होगी, नहीं मैं ग्रीन नहीं होऊंगा भाई, मैं ग्रीन नहीं होऊंगा, मैं वैसे ही हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही हूं, ठीक है। क्या बात है रंजीत कुमार मिश्रा जी, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। सभी को दिखाई दे रहा है तो सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, आपको दिखाई दे जाएगा, सभी को दिखाई दे रहा है।
सभी लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे, अंधेरा कायम नहीं होगा आगे में। चलिए सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, अभी सबको दिखाई दे रहा है। राहुल डांगी जी आपको दिखाई दे रहा है, राहुल डांगी स्मोकर और वहां पर स्मोकर गेमिंग, इश्फाक अमीर, सभी को बहुत बहुत सभी को यहां पर बने रहिए। स्क्रीन ब्लैक अब व्हाइट हो गया होगा मेरे भाई, नंबर दे दूंगा मेरे दोस्त, नंबर मुझे याद नहीं रहता है। चलिए सभी को दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट एग्जाम वनडे एग्जाम जी, आप सोने जा रहे तो आप सो जाइए, वरना आपके तो छूटेंगे ही क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, हम तो नहीं सो रहे हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है, आप सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके चलिए भाई, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक और कन्वेक्स लेंस लगाएगा तो उसकी इमेज जो पीछे बन रही थी वो आगे आगे बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अभी बताया था मेरे दोस्त कुछ देर पहले, मैंने बताया था अगर ग्लास का देखिएगा, एक ग्लास का उन्होंने बना दिया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बताया था कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने हीरे का बना था, क्या हीरे का 2.42 होगा या 2.24 होगा, तो आंसर क्या होगा 2.42। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हीरे का क्या होता है, हीरे का आपका 2.8, कौन सी इनका गई है, कौन सा होता है, हीरे का होगा आपका 2.42। अगर वाटर का करेंगे तो कितना होगा, वाटर का करेंगे तो 4/3 होगा, 4/3 किसका है, वाटर का है, क्लियर है सभी को, सभी का क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करिए। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट एग्जाम दी, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है, जो लोग चले गए उनको जरा दोबारा बुलाइए, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात ये हो गया आपका 2.42, क्लियर है कि नहीं है, पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज डैश 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। तो देखो बात हो रही क्या, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करो। देखो ध्यान रखा, ये भी जेई के पेपर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या होता है भाई, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ होता है कि नहीं होता है, तो पावर इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ होगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा यहां पर डायप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, डायप्टर में दिया है, तो आपको यहां पर जो फोकल लेंस की जो फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की है वो मीटर में चाहिए होती है ना, वो मीटर में चाहिए तभी वो कन्वर्ट होगी, होगी या नहीं होगी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोग ध्यान रखिए यहां पर आंसर सभी का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 2 डायप्टर होगा। लेकिन कैसे होगा तो सभी लोग इसको बताएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जिनको नहीं पता पावर की फॉर्मूला जान लो, पावर इक्वल्स टू 1/f, 1/f होगा, लेकिन यहां सेंटीमीटर में दिया है तो हम 1/0.5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो 0.5 मीटर हो गया, 0.5 मीटर होगा तो क्या होगा, पावर इक्वल्स टू 2 डायप्टर हो जाएगा, क्योंकि डायप्टर में तभी आएगा जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 डायप्टर, क्लियर है कि नहीं है, सभी का सिंपल है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, ए लेंस हैज ए पावर ऑफ 2 डायमीटर। लो भाई फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। दिस टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। सभी लोग क्लास को शेयर करो भाई, कहां आके सभी लोग। तो देखिए भाई सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। विवेक रॉय, रवि चौधरी, दीपक कुमार, डॉली तिवारी, होशियार सिंह जी, होशियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक लेंस में की शक्ति है, अच्छा ध्यान रखिए पावर कितना दिया है, 2.0 डायप्टर दिया है, और टाइप ऑफ लेंस पूछा है एंड इट्स फोकल लेंथ पूछा है। तो देखो फोकल लेंथ तो आ गई सर, फोकल लेंथ तो f बराबर क्या होगा, 1/p होगा, 1/p होगा, इसका मतलब 1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फोकल लेंथ तो आ गई कितनी, 1/2 आ गई कि नहीं आ गई। तो पहली बात तो यहां पर आपका निगेटिव में आएगा नहीं, आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बात कह रहा है यार, अब क्या बात कह रहा है कि कनकेव या कन्वेक्स है ना, कनकेव या कन्वेक्स होगा, तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर कन्वेक्स होगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको चीजें याद करवा दे रहा हूं यहां पर, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, जिन्होंने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो इन चीजों को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। तो 27वें का आंसर बी होगा, बी नहीं होगा बेटा, कैसे हो जाएगा, एफ बराबर 1/2 आ रहा है, तो 1/2 आएगा तो 0.5 ही तो आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में कैसे आ जाएगा। अब देखो वही गलत हो गया, तो 0.5 तो दोनों जगह। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो सभी लोग इसको लिख लेंगे भाई, कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ भी यहां पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यहां पर आपका जो पावर भी होती है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर कनकेव की बात करेंगे भाई, अगर कनकेव की बात करेंगे तो कनकेव में क्या होता है, कनकेव में आपकी हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव आती है, और पावर भी क्या आती है, निगेटिव आती है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, क्लियर है कि नहीं है, सभी क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहां पर मान लीजिए यहां पर अगर आपका पावर निगेटिव में आती, या मान लीजिए फोकल लेंथ निगेटिव में आती, तो आंसर आपका क्या होता, आंसर आपका कनकेव -0.5 होता, क्लियर है कि नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। देखो सिंपल सी बात है, अभी उन्होंने क्या पढ़ा था, सिंपल सा पढ़ा था कि नहीं, पहले से ही पता चल गया सर। अरे सर ये तो आंसर हो चुका, क्या यहां पर लेंस है, ये लेंस है, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और ये पीछे जाकर बनेगी, यानी ये रेटिना पर नहीं बनेगी, मतलब बिहाइंड दी कॉर्निया रेटिना, यानी रेटिना के क्या बनेगी, पीछे बनेगी। समझ में आया सभी को, क्लियर है यहां पर सभी, क्लियर? बहुत निगेटिव इनको, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। ध्यान रखना अगर कॉन्केव होगा तो फोकल लेंथ और पावर वहां निगेटिव होगी, कन्वेक्स होगा तो वहां पर फोकल लेंथ और पावर दोनों ही पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहा है जिसको दूरदृष्टि दोष है, मतलब उसको पास की चीजें नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि इमेज उसकी रेटिना के पीछे बन रही है, तो यहां रेटिना के पीछे बनेगी। एक क्वेश्चन बना सर यहां पर, एक पोस्टमार्टम कर देते हैं, जिसको मायोपिया होता है, मान लीजिए यहां पर क्या देगा, यहां पर मायोपिया दे दिया, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष दे दिया, तो इसमें क्या होता है दोस्त, देखो यहां पर आपकी आंख है, पीछे आपकी क्या कन्वेक्स लेंस है, तो मायोपिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, मतलब पास की चीजें दिखती है दूर की नहीं दिखती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब लाइट रे आती है ना, तो लाइट रे आने के बाद ये यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी वो रेटिना तक पहुंचती ही नहीं है, यहां पर इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से वो इमेज हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो यहां पर कौन से लेंस का यूज करोगे, यहां पर लोग कन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो उल्टी चीजों को याद रखो, अगर दूरदृष्टि दोष है तो एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो जो आगे इमेज बन रही थी वो पीछे बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो मायोपिया में इमेज रेटिना तक पहुंची नहीं, तो वहां क्या करो, वहां कॉनकेव लेंस लगाकर उस इमेज को बढ़ाओ और रेटिना तक पहुंचाओ। सभी का क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा अगर यहां पर मायोपिया दिया होता तो वहां पर क्या होता, रेटिना के आगे इमेज बन रही थी, ठीक है। तो वहां पर कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, वहां पर आप कॉनकेव का प्रयोग करेंगे, क्लियर है सभी को। और अगर रेटिना की बात करेंगे तो यानी कि आपकी इमेज बिल्कुल सही बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द वाटर टू द ग्लास If bends, तो देखो भैया यहां पर रिफ्रेक्शन की बात कह रहे हैं ये, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करो भाई, है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करो यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है एकदम से क्लास बंद हुई तो यहां पर आधे लोग भागे, इसका मतलब वो लोग पढ़ नहीं रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश की किरण पानी से कांच में जाती है या झुकता है, झुकता है कैसे, तो ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, पानी से काय में जा रही है, कांच में जा रही है, तो क्या होगा, ये झुकेगा या बढ़ेगा। सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई, सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी हम क्या बात करें, एक क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं हो गया, 29वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे भाई इसका आंसर, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। टूवर्ड सेंटर 29वें का आंसर, अच्छा टूवर्ड सेंटर की बात करो तो ध्यान रखिएगा, हाँ अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ये एयर मीडियम है और नीचे आपका वाटर मीडियम है, यानी डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम होता है एक डेंसर होता है, मतलब कि हवा जहां पर आपका क्या होगा प्रकाश की किरण क्या नहीं होगी, सीधी आई और सीधी जैसे ही आई, जैसे ही माध्यम चेंज होता है तो माध्यम जैसे डेंसर होगा, यानी पानी में तो मॉलिक्यूल सटे हुए हैं, तो वहां पर प्रकाश की किरण को जाने में टाइम लगेगा, तो वहां पर क्या होता है, यहां पर हम नॉर्मल डालते हैं तो ये थोड़ा अंदर की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ती है कि नहीं, तो ये अंदर की ओर आती है और ये कहां पर आई, तो देखिए आपका क्या हुआ, अविलंब के टुवर्ड्स दी नॉर्मल एंड स्पीड इंक्रीज, लेकिन यहां पर पानी में आई है ना, या डेंसर मीडियम में आई है ना, तो डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, ये इसकी स्पीड घट जाएगी, यानी कि आपकी जो प्रकाशी किरण हवा से आपके पानी में आई तो क्या होगी, पहले तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, दूसरा उसके साथ क्या होगा, वो आपकी स्पीड को घटाएगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगा, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल एंड स्पीड डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर क्या नहीं होने वाला, यहां पर वो स्पीड बढ़ाएगा नहीं, अगर हम यहां पर बात करेंगे, सभी लोग यहां पर एक ऑप्शन देखेंगे, ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए हवा जो जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आपकी जल से हवा में जा रही है, तो क्या होगा, जल से हवा में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड बढ़ती है, अगर रेयर से यानी हवा से जल में जाएगी तो स्पीड घटेगी और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और उसी का जस उड्डा हवा में होगा, ठीक है, क्लियर है। देखो भाई यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो तो इसको आप बड़े आराम से लगा सकते हो। देखो भाई सभी के इसका आंसर बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा, मैच कर रहा है आपको, अभी मैंने आपको बताया था जिसको कुछ नहीं आता ना वो देखेगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं भाई, पावर हाउस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, तो ये आपका वन हो गया। उसके बाद डीएनए, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले वाला सेल होता है, सेल में एक केंद्रक होता है,
केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए किससे संपर्क में आए, क्रोमोसोम्स के। और लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, एक तो राइबोसोम होता है, एक लाइसोसोम होता है। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा पार्ट है और राइबोसोम क्या है वो, लाइसोसोम क्या है इसको सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब फटता है तभी सेल का आकार क्या होता है, सेल कई भागों में टूटते हैं, ठीक है। तो सेल को टूटने के लिए लाइसोसोम को सुसाइड करना पड़ता है। क्लियर है सभी का? सभी क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर होगा आपका 3, 3 के बाद होगा 2, 2 के बाद 1, तो 3, 2, 1 का आ रहा है, 3, 2, 1 बी में आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 31वां देखिए। देखो भैया यहां पर आपके ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपके जबरदस्ती मैंने लाए हैं और ये आपके 28-29 के जो पेपर हुए थे, ध्यान रखिए पहली जो 6 शिफ्ट है उनके क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ये क्वेश्चन अब कैसे बन सकते हैं। तो देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइट, देखो पूछा है, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है। मृत जीवी का मतलब ऐसे जीव जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, जैसे कि हम लोग भी किसमें आया, सैप्रोफाइट में आए। क्यों आए? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो जिंदा तो खा नहीं, चीता मुर्गा तो गुजर नहीं लेते हम। तो ध्यान रखिएगा, जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना सभी लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक होते हैं स्वपोषी, जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक वो जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स स्वपोषी होते हैं। और एक जीव होते हैं जिनको बोलते हैं परपोषी, या इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं जो अन्य जीवों पर डिपेंड करते हैं। अब ये हाइड्रोट्रॉपिक बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सैप्रोट्रॉपिक, जो सड़ी हुई चीजों को खाते हैं, जैसे हम लोग, सैप्रोट्रॉपिक। और एक होते हैं पैरासाइट, जिनको आप परजीवी कहते हो। क्या बोलते हो? परजीवी कहते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारा इसमें से अगर एग्जाम में पूछा गया है तो यहां से भी आप बताइएगा, ठीक है, ठीक है। आज मैं ऐसे ला सकता हूं, लेकिन बशर्ते वहां पर आप लोग ज्वाइन हो, इसलिए ये तो आपके एग्जाम में आए इसलिए पूछा। तो देखो ध्यान सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा मृतजीवी है, जो भी दिया होगा मृतजीवी आपको पता होगा, मृतजीवी में हम भी आते हैं, जानवर भी आते हैं जो अन्य जीवों को खा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग गाय में आते हैं सेपरोट्रॉफ, जो कि सड़ी हुई या रोटी रोटन चीजों को खाते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? प्लांट्स, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी अन्य जीव पर डिपेंड नहीं होते हैं। पैरासाइट होते हैं परजीवी, जो कि आपके जैसे कि आपके प्रोटोजोअन जीव हो गए, प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है वो पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग किसमें आए? सेप्रोट्रॉफ में आए। तो बेटा एग्जाम में अगर आपको सेप्रोट्रॉफ पूछा है तो पैरासाइट भी पूछ सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल पूछ सकता है, सेप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल यहां दिए होंगे, जिनमें कि आपके जानवर आ रहे होंगे, जिनमें कि आपका मनुष्य आ रहा होगा, ये सब आपके सेप्रोट्रॉफ में आते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो ये हो गया आपके सेप्रोट्रॉफिक, वो जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं वो भी मार के खाते हैं, अगर हम मांस खाते हैं तो भी मार के खाते हैं, तो हम सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, ये 28 तारीख के पेपर में ही था, दूसरी शिफ्ट में, सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है। ध्यान रखा, सहजीवी की बात कर रहा बेटा, सिम्बायोटिक। यहां पर आंसर ही जो था वो आपका लाइकेन था ऑप्शन में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आए। सड़े हुए का मतलब मरे हुए बेटा, ठीक है, रॉटेन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, इनमें से जो ऑप्शन आए थे उसका आंसर था सजीवी संबंध का उदाहरण। तो ध्यान रखिए, लाइकेन के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइकेन एक ऐसा प्लांट होता है जिस प्लांट में शैवाल और कवक दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। शैवाल और कवक सजीवी के रूप में होते हैं। दुनिया में एक ही ऐसा पौधा है या एक ही ऐसा स्थान है जहां पर एल्गी और फंगी, यानी शैवाल और कवक सजीवी के रूप में होते हैं, और जो ये पौधा होता है, ध्यान रखिएगा, ये चट्टानों पर या लकड़ियों पर चिपका होता है, मतलब काई की तरह दिखता है देखने में, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, और इसके बाहरी भाग में, ध्यान रखा, बाहर इसके फंगी होता है। ये फंगी यानी कवक पेड़ की रक्षा करता है और पेड़ को प्रकाश और ऊर्जा खींच के देता है। ये एल्गी जो होता है, एल्गी अंदर बैठकर उसका भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, और कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास ध्यान रखना, एलियंस आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको क्या आया कि अगर बात करेंगे कि इन दोनों में दो कौन ज्यादा डिपेंड है, तो ध्यान रखा एल्गी यानी शैवाल ज्यादा डिपेंड है किस पर, कवक पर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कवक रक्षा नहीं करेगा तो शैवाल अपने आप ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये लाइकेन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइकेन इस बात के प्रदूषण सूचक भी होते हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, जहां पर नाइट्राइड की मात्रा बढ़ने लगती है, वहां पर लाइकेन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि लाइकेन जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर पर्यावरण उतना दूषित
नहीं होता है। ठीक है, सभी का क्लियर है? ध्यान रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरिया के फॉर्मूले को पूछा था। तो सभी लोग यूरिया का फॉर्मूला बताएंगे भाई। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, है ना? तो NH2CO NH2 क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मेरी बात सुनो। ठीक है, NH2CO NH2 तो आपसे पूछ लिया, ये तो क्या हो गया? यूरिया हो गया। अब ये यूरिया कैसे क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरिया हमारे शरीर में हम जब यूरिन करते हैं तो क्या निकलता है? यूरिया ही तो निकलता है। तो अगर हम यूरिया की बात करेंगे यहां पर, तो यूरिया किससे क्या करेगा? तो ध्यान रखिएगा, यूरिया सबसे पहले हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। ठीक है, यूरिया कहां पर जाता है? लीवर में जाता है। जैसे यूरिया लीवर में जाता है तो यहां पर क्या होता है? लीवर के माध्यम से ये किसको प्राप्त होता है? ब्लड को प्राप्त होता है। जब ये ब्लड को प्राप्त हो जाएगा तो ब्लड के माध्यम से ये कहां जाएगा? ये आपकी किडनी में जाएगा। और किडनी में जाएगा तो किडनी क्या करेगी? किडनी उस यूरिया को थोड़े से वॉटर के साथ यूरिया को बाहर की ओर फेंकेगी। यही वॉटर और यूरिया ही क्या बोला जाता है बेटा? इसी को बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन। समझ में आया? तो इतने सारे क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पूछा है, क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया किसके माध्यम से ब्लड लेता है? लीवर के माध्यम से ब्लड लेता है। कहां जाता है? किडनी में जाता है। किसके रूप में बाहर आता है? यूरिन के रूप में बाहर आता है। और किसके साथ आता है? H2O के साथ। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आ सकता है कि कल मैंने आपको बताया भी था, यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में कभी कभी बनता है। जब हम ज्यादा प्रोटीन खाने लगते हैं, ज्यादा प्रोटीन खाने वालों के बॉडी में क्या बनता है? वो यूरिक एसिड बनता है। और ये यूरिक एसिड आपकी हड्डियों में जमा होता है, यानी बोन्स में जमा होने लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोला कहते हैं गाउट, यानी कि गठिया, या उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन बने। क्या यूरिया का फॉर्मूला पूछा था आने वाले एग्जाम में? यूरिया ये पूछ सकता है। यूरिया ब्लड किधर से लेता है? लीवर के पास उसको ब्लड मिलता है। ब्लड आपका किडनी में जाता है, किडनी आपको H2O और यूरिया को यूरिन के रूप में निकालती है। बॉडी में जब ज्यादा प्रोटीन होने लगता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूरिक एसिड बोन्स पे जाके चिपक जाता है, तो गठिया या आर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनकी बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड बनता है बेटा, उन्हीं को ज्यादा मच्छर भी काटते हैं। ठीक है, सभी क्लियर है? सभी क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू विच पार्ट? ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजी की बात कर रहा है तो सभी को पता होगा ये किससे संबंधित है। आंसर आपका नर्वस सिस्टम था, लेकिन वहां पर आपका ऑप्शन में नर्वस सिस्टम नहीं लिखा था। तो वहां पर ऑप्शन क्या लिखा था बेटा? ब्रेन लिखा था। ठीक है, वहां पर ऑप्शन क्या था? ब्रेन। तो ब्रेन आपका सही आंसर होगा न्यूरोलॉजी का। तो न्यूरोलॉजी का आंसर, सही आंसर क्या हुआ? ब्रेन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ध्यान रखिएगा, आपके ब्रेन की जो इकाई होते हैं बेटा, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया, पूछ लेगा। न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं? तो ध्यान रखना, ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन होता है ऐसे, और ये फिर आपका होता है ऐसे। ठीक है, अब जब ये न्यूरॉन होता है तो न्यूरॉन का जो केंद्रक होता है, न्यूरॉन का जो केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं साइटॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन के केंद्रक को बेटा हम लोग बोलते हैं साइटॉन। ठीक है, न्यूरॉन के आगे वाला जो ये कनेक्टिंग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स पूछा गया था, ये आपके एक शिफ्ट में पूछा गया। ध्यान सुना, न्यूरॉन के बारे में पूछ सकता है कि आपकी मस्तिष्क की जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी इकाई कौन है? न्यूरॉन्स है, एक पार्ट। दूसरा, न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं? एक साइटॉन, एक एक्सॉन, और एक होता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, डेंड्रॉन क्या होते हैं? छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दो अगर न्यूरॉन है, मान लीजिए दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो इस चीज को ध्यान रखना, साइनेप्स क्या है? गैप बिटवीन, क्या गैप बिटवीन दो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, सभी क्लियर है? तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या? लार्जेस्ट सेल की बात करेगा अगर हमारी बॉडी में, तो ध्यान से सुन लेना आपको, लार्जेस्ट सेल की बात करेगा अगर, लार्ज एक पूछ सकता है लार्जेस्ट सेल। ठीक है, एक पूछ सकता है लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? एक पूछ सकता है स्मॉलेस्ट सेल। तो बताइए भाई, यहां पर आपके तीन क्वेश्चन बन गए यहीं पर। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट क्या क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो फीमेल में पाया जाने वाला जो एग होता है, जिसको कि आपको जो सेक्सुअल प्रक्रिया में यूज होता है, एग को, फीमेल एग जो होता है वो सबसे बड़ी, ध्यान रखा, बॉडी में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है क्या? फीमेल एग। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो
तो मनुष्य के जो बेल्स होते हैं, मेल की बॉडी में पाए जाने वाले शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आए और ये पूछे जा सकते हैं। क्या लार्जेस्ट सेल क्या है? एग है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। और अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो ये क्या है? स्पर्म है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और क्या आ सकता है? कल मैंने एक और चीज बताई थी आपको, न्यूरॉन। एक मस्तिष्क में, एक मनुष्य के मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? 10^11 billion न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी कहते हो कि अगर नींद आ रही है तो उसके बाद नींद आ नहीं रही है, आप शरीर को कह रहे हो कि सो जाओ बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन आया था, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन विच पार्ट? मानव के निषेचन क्रिया किस भाग में होती है? तो देखो भैया, निषेचन क्रिया की अगर बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, ये फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन पहली बात तो फीमेल में होगा, ठीक है। अब यहां पर सुन लेना, आंसर तो यहां पर होगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब। अब ये होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जब जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो आपका सेक्सुअल प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल प्रक्रिया में क्या किया जाता है? सेक्सुअल प्रक्रिया में फीमेल की तरफ से एग मिलता है, ये एग मिलता है, और मेल की तरफ से मिलते हैं स्पर्म, ठीक है। मेल की तरफ से मिलते हैं स्पर्म, शुक्राणु। ये दोनों मिलने के बाद बेटा क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलने के बाद भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण। लेकिन उससे पहले बनता है जाइगोट, ध्यान रखना, यही होता है एग फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन कहां पर होता है? फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के रास्ते ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग फॉर्मेशन को ही बोलते हैं बेटा जाइगोट, ध्यान रखना। और जब यही जाइगोट एक जीव बनता है तो उसको बोलते हैं भ्रूण, या उसको बोलते हैं हम क्या? भ्रूण के अलावा उसको बोलते हैं फाइटस। क्या बोलते हैं? फाइटस कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी क्लियर है? तो फेलोपियन ट्यूब होगा, इतना ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं, ये जो एग होता है ये कहां से मिलता है? ये ओवरी से मिलता है, फीमेल की ओवरी से एग प्राप्त होता है, मेल से स्पर्म प्राप्त होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में जाके मिलते हैं, वहां फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां पर पहले अंडा बनता है यानी एग बनता है, और फिर आपका भ्रूण तैयार होता है। क्लियर हो गया? फिर यही जीव के रूप में क्या लेता है? जन्म लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये आपके किसी शिफ्ट में, कि मां के पेट में जब बच्चा होता है तो वो बच्चे का मां से कनेक्शन किससे होता है? तो ध्यान रखना, बच्चे की नाभि से मां की नाभि जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेटा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो कनेक्शन है, मां की नाभि बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, तो मां जो खाती है वो पेट में बच्चे बैठे हुए बच्चे को प्राप्त होता रहता है, बच्चा उससे एनर्जी लेता है। तभी जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नाभि नाड़ी को भाग को काटा जाता है, ठीक है, वो प्लेसेंटा बोला जाता है। क्लियर होगा सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वायरस? तो देखो सिंपल सी बात है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, सभी को पता है। मैंने आप लोगों को बताया था, रमिया हमें हंसा के पाकिस्तान में दे आई, बताया था कि नहीं? ये कोट वो सब वायरस का था, जिसने पढ़ा था वो क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स यहां पर जो आंसर दे रहे हैं, आगे की आंसर देने से कोई फायदा नहीं होता मेरे दोस्त, पूरी चीजों को सुना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं वो चीजें आती है। तो ध्यान रखना, कॉलरा और मलेरिया, मलेरिया तो किससे होता है भाई? प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या? एक पैरासाइट है, यानी कि एक परजीवी है, जो मादा एनोफिलिस मच्छर के शरीर में रहकर हमारे शरीर में आ सकता है, और आने के बाद ये क्या होता है? ये मलेरिया क्रिएट करता है। अब आंसर यहां पर क्या होगा बताइए भाई? आंसर होगा आपका क्या? चिकन पॉक्स। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स आपके वायरस से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स हो स्मॉल पॉक्स हो, मैंने आपको सारे बताए मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक कोट बताया था, पुरानी वाली क्लास उठा के देख लेना, मैंने आप लोगों को एक कोट बताया था, रमिया हमें हंसा के क्या कराई? क्या हो गया? क्या क्वेश्चन था? जो कोट था वो था, रमिया हमें हंसा के क्या कराई? हमें हंसा के पाकिस्तान, PAC होगा, पाकिस्तान में दे आई, ठीक है। तो ये एक कोट बन गया, और इस कोट से क्या बना? देखो आपका RA से हो गया रैबीज, ठीक है, ध्यान रखना। लाइजे वायरस होता है, लाइजे वायरस होता है जिसकी वजह से रैबीज होता है, ध्यान रखना। रैबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या है? ध्यान रखिए, हाइड्रोफोबिया वही है जिससे आपको पानी से डर लगता है, और कुत्ते के काटने से भी रैबीज होता है, वही हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। MEA से हो जाएगा मीजल्स, फिर हो गया हर्पीस, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, मम्स हो गया, उसके बाद आपका पोलियो हो गया, एड्स हो गया, कोविड 19 भी इसी में आ गया, वायरस है कि नहीं है, चिकन पॉक्स हो गया, फिर आपका मम्स आ गया,
फिर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और डेंगू भी इन्हीं में आता है, मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मेजर्ड इन, ध्यान रखना पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, सभी को पता है सर मोल में मापी जाती है, ठीक है, लेकिन यहां पर इतना सोचना क्यों, आप पूरी ही फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर लीजिए, रख लीजिए, ठीक है, जो फंक्शनल क्वांटिटीज होती है, जो एसआई यूनिट है वो सब रख लीजिए। जैसे सिंपल सी बात है, अब क्या क्या होंगे, सिंपल सा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आता है कि नहीं आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का शायद आया भी था एग्जाम में ना, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आता है तो बताइए भाई आपका टाइम का क्या होगा, सेकेंड, लेंथ का क्या होगा, मीटर, सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, सिल्क बॉम क्या बता रहे हो, मीटर लेंथ, तो आपका टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा, मीटर का क्या, लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, मास का क्या होगा, केजी होगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर होगा, फिर आपका टेम्परेचर का क्या होगा भाई, टेम्परेचर का होगा आपका केल्विन हो जाएगा, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला होगा, क्लियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, पदार्थ की मात्रा क्या होगी आपकी, मोल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो आपकी फंक्शन जो क्वांटिटीज हैं, जो एसआई यूनिट्स हैं उनको रट लो, वही सब एग्जाम में आता है, ठीक है। सेरिकल्चर की बात कर रहा है तो बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा, सेरिकल्चर सभी को पता है, सिल्क वॉर्म के जो पालने को, यानी कि रेशम के कीट को पालने को सेरिकल्चर कहते हैं। हनी भी किसको कहते हैं भाई, हनी भी ध्यान रखिएगा, हनी भी आपका पिसी कल्चर होता है, वो सॉरी एपिकल्चर होता है, ठीक है। आपका फिशेस को पालने को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि जो वो होती है फिशेस जो होती है उनको पालने को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर, लेकिन फिशेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, सभी लोग खोज के बताएंगे, ठीक है, सभी लोग इसको बताएंगे, सभी लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करते हो भाई, है ना, क्लासेस शेयर नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी आपके शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 ग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, कल ही आप लोगों को बताया था, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो मास कहीं भी होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर यहां एम है तो दुनिया में कहीं भी होगा कितना ही होगा, उतना ही होगा, मास कभी चेंज नहीं होता है, तो मास कितना ही होगा, 60 ग्राम होगा। अब यहां पर आपका क्या कर दे, चंद्रमा कर दे, सूर्य कर दे, कुछ भी कर दे, वहां पर मास कितना ही होगा, 60 kg ही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती घटती है, अगर जी की मात्रा पृथ्वी पर 9.8 है तो ये चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी, कल ही बताया था जी भाई, 6 हो जाती है, ठीक है, उसका छठा भाग हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। अरे भाई अगर सिंपल सी हम बात करते हैं पृथ्वी की, जब जी का मान पृथ्वी पर ही बराबर नहीं होता, जी का मान अगर ध्रुव पे देखेंगे तो यहां 9.8 होता है, नीचे जाएगा तो भी कम होगा, इधर जाएगा तो भी कम होगा, जब पृथ्वी पर ही अलग अलग दिशाओं में जी का मान क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग ग्रहों पर या अलग अलग जगह पर जाने से क्या होगा, जी के मान में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, क्लियर है, सभी का क्लियर है, सभी क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम वन डे, आपने बेटा सही बोला, क्या बोलते हैं, इकोथोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मछली का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं इकोथोलॉजी, इकोथोलॉजी ऐसे लिखा है, ये आपने इकोथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये मछली के अध्ययन को बोलते हैं स्टडी, ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर कितना होगा, 60 kg ही होगा, कभी भी मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, खुजली आनंद भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अंग रक्त परिसंचरण, अच्छा क्वेश्चन ही है केवल, देखिए भाई ध्यान सुन लीजिएगा, कि विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अंग रक्त परिसंचरण का तंत्र नहीं था, तो ध्यान रखा ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया हुआ था 28 तारीख वाले शिफ्ट में, लेकिन यहां पर बात क्या है कि जब ऑप्शन ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं, तो देखो भाई हार्ट जो ब्लड का जो रक्त के संचरण की बात करेगा, रक्त से संचरण की बात करेगा, तो देखो कौन कौन काम करता है, रक्त के संचरण में आपका हार्ट काम करते हैं, आपकी रक्त नलिकाएं काम करती हैं, वेंस काम करते हैं, और कौन काम करता है, आपके शिरा बोल लो, धमनी बोल लो, ये सब क्या है आपके रक्त से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर रक्त से संबंधित देखेंगे तो वहां पर किडनी भी आ जाएगा, रक्त से संबंधित देखेंगे तो मैक्सिमम जो ऑर्गन्स नहीं होते रक्त से संबंधित, जो परिसंचरण से संबंधित, सॉरी यहां किडनी नहीं होगा क्योंकि परिसंचरण की बात कर रहा है, सर्कुलेशन की बात कर रहा है, तो सर्कुलेशन में आपके हार्ट, वेंस यानी शिरा और धमनियां और हृदय ही होगा, ठीक है, क्लियर है सभी का, सभी का क्लियर है। हार्ट किडनी नहीं होगा बेटा, किडनी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या कर रहा है, यहां पर आपका क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलेशन कराने का काम हार्ट और हार्ट के आसपास के लोगों का होता है, किडनी का काम क्या होता है बेटा, किडनी तक ब्लड जाता है लेकिन किडनी का काम प्यूरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश, तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वैक्यूम है, ये आपकी शिफ्ट में आया हुआ है, लेकिन अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, देखिए
वो क्या क्वेश्चन बनता है कि यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि साउंड की बात कर रहा है तो देखो जो वेव्स होती है दो प्रकार की होती है, सभी को पता है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती है मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार की वेव्स हो गई। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका साउंड आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीखेंगे तो इसमें आपका लाइट आ जाएगा, जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वो कोई भी माध्यम होगा, वैक्यूम होगा, एयर होगा, वाटर होगा, सभी जगह उसका एक ही स्पीड रहती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, देखो ध्यान से सुन लेना कि अगर कभी भी हम ध्वनि के फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सुनने के योग होती है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे, ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं बेटा इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाएगा कि इंफ्रासाउंड को मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कौन सुन सकता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी वेल, इसीलिए लोगों को हलचल होते हैं, ध्यान रखिए, वेल हो गया, राइनोसेरोस हो गया, यानी कि आपका राइनोसेरोस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है एलिफेंट हो गया, ठीक है। आपने कभी एक मछली सुनी होगी हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, ये सब ऐसे जीव है जो इंफ्रारेड जो साउंड होता है उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। अनुज पाल जी बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है, मेरे को आपका नाम नहीं पता था बेटा, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकती है और सुन सकती है, तो ध्यान रखना एग्जाम में बहुत ज्यादा है। यहां पर एग्जाम्पल होता है डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन। इसीलिए डॉल्फिन का जो परिवार होता है वो बहुत दूर दूर होता है जलों में, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुन और क्रिएट कर सकती है। अब यहां 20,000 से ज्यादा जो आती है इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं इनको, आपका इंफ्रासाउंड कहते हैं और इनको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, जो कि डॉल्फिन, आपका चमगादड़ हो गया, है ना, डॉल्फिन हो गया, और क्या हो गया, चमगादड़ हो गया, उसके बाद कुत्ते हो गए, जानवर, छोटे छोटे कीट मकोड़े हो गए, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को झेल सकते हैं, ठीक है। तो देखो भैया साउंड यहां हमारे झेलने के काबिल ये है, फिर इंफ्रासाउंड जो 20 से कम होता है, 20,000 से ज्यादा जो होता है वो डॉल्फिन का होता है। क्लियर हो गया सभी को, सभी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, या अल्ट्रा और इंफ्रा को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट, लाइकेन इज इंडिकेटर, देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ही आया था इसलिए ऐसे लिखा हुआ। लाइकेन इंडिकेटर होते हैं, किसके, प्रदूषक सूचक के होते हैं, और किसके प्रदूषक के, नाइट्रोजन प्रदूषक के सूचक होते हैं, समझ में आया। जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लाइकेन क्या होते जाएंगे, ये लाइकेन खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या ही होगा, नाइट्रोजन ही होगा, ठीक है। किस प्रदूषक के सूचक होते हैं, तो वो नाइट्रोजन के होते हैं, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विच वन ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। देखो कितनी बार आपको बताया, यहां पर ऑप्शन नहीं पता है मेरे को, लेकिन हम लोग यहां बड़े आराम से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा, देखो भाई जो आपका मॉस होता है, मॉस, ध्यान रखिए प्लांट दो प्रकार के होते हैं मेन, जो जिनमें टिश्यू होता है, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है ट्रैकियोफाइटा। बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं इनको प्लांट का उभयचर भी कहते हैं। प्लांट का उभयचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जल थल दोनों पे ही पाए जाते हैं, और जो एनिमल के जो बैचर होते हैं मेढक, वो जल पे भी रहता है थल पे भी रहता है, तो ये जल थल दोनों पर ही पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा मॉस। और अगर एग्जाम में आया इससे ज्यादा कभी, तो यहां आपको पूछेगा क्या, यहां आपको पूछेगा एक मॉस होता है, इसको बोलते हैं स्फैग्नम। क्या बोलते हैं, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक प्रकार का मॉस है, जो कि आपका एक ब्रायोफाइटा प्लांट होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो यहां पर आपका आंसर मॉस होगा, अगर मॉस नहीं दिया होगा स्फैग्नम होगा। और जो ट्रैकियोफाइटा प्लांट होते हैं इनमें जड़ पत्ती तना बहुत विकसित होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे जलकुंभी, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जो अनावृत्ति बीजी होते हैं, और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि आपके आवृत्त बीजी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफेद होने के कारण दिखता है। देखो भैया सभी को पता है कि सूर्य से जो रोशनी आती है, पहले तो लाइट जो होती है किस कलर की होती है, व्हाइट कलर होती है। लेकिन लाइट जब व्हाइट कलर में आती है तो उसमें कितने प्रकार के कलर होते हैं, उसमें विबग्योर होता है कि नहीं होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है कि नहीं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, ठीक है, और बाकी की वेवलेंथ सबसे कम किसकी, येलो की होती है। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें जब धरातल की तरफ पड़ती है तो सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ किसकी होती है, आपकी रेड की होती है। तो जब कभी भी दिन के सुबह के समय कब, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर यहां पर क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको बता दूं,
अगर सुबह के समय देखेंगे या फिर अगर शाम के समय देखेंगे, जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है, सुबह के समय उतना गर्म नहीं होता, रात के समय गर्म नहीं होता, तो सुबह और शाम में सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है, तो उस समय केवल लाल किरण ही धरातल तक आती है, इसीलिए लाल लाल सा इलाका दिखाई देता है। क्यों? जो एटमॉस्फेयर होता है रेडिश दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, और यही वेवलेंथ वाली रेड जो रेस है वो हमारे धरातल तक आ पाती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है। बाकी की क्या होती है? बाकी की आपकी स्कैटर हो जाती है, स्कैटर मतलब कि वो इधर उधर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है। अगर यहां पर बादल की बात करेंगे तो बादल में क्यों, बादल का रंग सफेद क्यों होता है? बादल धरातल के इतने पास होते हैं जिसकी वजह से जो व्हाइट लाइट पड़ती है वहां तक जाते जाते स्कैटरिंग की कोई बात ही नहीं हो पाती। कभी भी लाइट की बात आएगी तो वहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन की ही बात आती है, ध्यान रखिएगा, कभी भी व्हाइट लाइट गिरेगी। मैंने आप लोग कई बार बताया है कि अगर ये नारंगी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, केवल नारंगी ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हाइट कलर का मतलब है लाइट गिरी और सारे ही कलर वहां क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो बादल जो सफेद दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि वो धरातल के इतना पास है जिसकी वजह से वहां लाइट क्या नहीं हो पा रही, स्कैटर प्रकीर्णन हो ही नहीं पा रहा है, वो सारी लाइट को क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। सभी का क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी का क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, तो सभी का क्लियर हो गया यहां पर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 44 का आंसर, ठीक है। आज आपके क्वेश्चंस इतने ही हैं, क्योंकि आज 14 क्वेश्चन लगभग वो प्रैक्टिस बैच के लिए वजह से हो नहीं पाए आपके, तो इतना ही रखेंगे। रोज की क्लास आपकी 9:30 रात में ही लगेगी, तो 9:30 रात में पोस्टमार्टम वाली क्लास के लिए, यानी कि आपके जो ऑप्शन 2 वाली क्लास होती है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आपका प्रैक्टिस बैच भी चलता रहेगा और आपकी ये क्लास भी चलती रहेगी, ठीक है। सुबह 10 बजे आपकी करंट अफेयर्स रोज लाइव होती है, जिसमें मैं आता हूं आपके लिए, तो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बिल्कुल नई भी एग्जाम में आ जाती है, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कल फिर से मिलते हैं शाम को 9:30 इसी जनरल स्टडीज के साथ, और कल से आपके होंगे मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे और आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद।